बहुत सारे भाई कहते हैं कि डिविडेंड पेमेंट कैसे चेक करें, तो दोस्तों आप गूगल पर जाके लिखो इन्वेस्टिंग, सिर्फ इन्वेस्टिंग लिख के सर्च करो। उसके बाद आपका यहाँ पर एक वेबसाइट आ जाएगा कि investing.com India, तो उसमें करना है आपको क्लिक। और उसमें क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर दिखेगा कि एक सर्च का ऑप्शन आया है, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सर्च का एक ऑप्शन आया है, तो उसमें क्लिक करना होगा आपको। तो मान लो मुझे किसी कंपनी का देखना है कि उस कंपनी ने दोस्तों डिविडेंड अनाउंसमेंट किया है कि नहीं, तो कंपनी का डिविडेंड के बारे में जानना है तो मैं लिख लेता हूँ JSW Steel, ठीक है। तो जैसे कि जे लिख लेना है, SW Steel लिख देते हैं, एस लिखोगे तो ही आपको दिखने को मिलेंगे दोस्तों कंपनी का नाम, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो कि JSW Steel NSE लिखा था साइड में, तो उसी कंपनी को सर्च करना है। और करने के बाद बाकी सब कुछ देखो, तो यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल करना है आपको। तो उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर ब्लू बहुत सारे ऑप्शन आया है, प्रोफाइल चार्ट, न्यूज़ एनालिसिस, ठीक है। तो उनमें से एक हिस्टोरिकल नाम का एक ऑप्शन रहेगा, देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है, यानी हिस्टोरिकल नाम का एक ऑप्शन आया है, तो उसमें आपका करना है क्लिक, ठीक है। तो उसमें क्लिक करते हैं और उसके बाद देखो दोस्तों क्या होता है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल में क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ से आप कंपनी का स्टॉक स्प्लिट भी देख सकते हो, कंपनी का डिविडेंड भी देख सकते हो। तो हिस्टोरिकल डिविडेंड में क्लिक करना है आपको, ठीक है। तो जैसे ही हिस्टोरिकल डिविडेंड में क्लिक करोगे तो उसी टाइम देखने को मिल जाएगा कंपनी का डिविडेंड का डेट, यहाँ पर देख सकते हो जुलाई मंथ का 4 तारीख इसका दोस्तों एक्स डेट था। उसके बाद दोस्तों डिविडेंड का अमाउंट भी देख सकते हो, यहाँ से कंपनी EPS में कितना पैसा दिया है, EPS के हिसाब से डिविडेंड, तो यहाँ पर पेमेंट डेट देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर डायरेक्टली लिखा रहेगा कि पेमेंट डेट, अगर किसी कंपनी का पेमेंट डेट में यहाँ पर दोस्तों डॉट डॉट लिखा है, यानी अभी तक कंपनी ने अनाउंसमेंट किया नहीं है कि पेमेंट डेट कब है, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेंशन आ जाएगा तो यहाँ पर वो वेबसाइट वाले यहाँ पर डेट मेंशन करवा देंगे, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया कि किसी भी कंपनी का डिविडेंड का पेमेंट डेट कैसे चेक करना पड़ता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। मे गॉड ब्लेस यू, गुड बाय दोस्तों।